because there is no election or false elections or whatever election. This is the allegation, maybe a false allegation, but you can't simply say you nobody unless you say, when show us the proof, you are not founding member of PTI. Was he a founding member of PTI or not? But then prima facie the burden shifts on you. बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट ने असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सवाल उठेगा कि पीटीआई कैसे हाईकोर्ट गई? क्या दीगर 6 सूबाई इलेक्शन मेंबरान ने दस्तखत किए? अगर दस्तखत नहीं किए तो क्या वजूहात हैं? इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के सामने 3 सवालात रख दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं? सियासत में मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। पार्टी मेंबरान को मालूम होना चाहिए कि वोट कहाँ डालना है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आइन में इजाफा या तब्दीली नहीं कर सकते। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट जारी ना करने पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुन रहे था। पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करने पर पीटीआई ने दरखास्त दायर की। इंट्रापाच इंतखाब ना करवाना महंगा पड़ गया। 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मंसूख। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सियासी जमातों को इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी इलेक्शन लड़ सकेगी। पाकिस्तान बराबरी पार्टी और सुन्नी तहरीक भी डीलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूरी दी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। मतन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एजाज हासिल हुआ, मजीद काम जारी नहीं रख सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मज़ाहिर नकवी जज नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ख्वाजा हारिस का जवाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पढ़कर सुनाया गया। मोविन वकील ने काउंसिल को बताया कि ख्वाजा हारिस लाहौर से आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। उधर हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की तैयारी कर ली। कार्रवाई चलाने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ना होने का उसूल तय किया। नून लीग की टिकटों का इजरा, काफ लीग पीछे हट गई। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत हंगामी मीटिंग। तर्जुमान ने कहा, सिर्फ अपनी जात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, हमारे मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। सालिक हुसैन बोले, नून लीग ने मेरे और चौधरी शाफे के खिलाफ टिकट जारी कर दिए, हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, सियासी बैठक सजेगी। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, नाम नेहाद सर्वे पिटी हुई कंपनी की मार्केटिंग के सिवा कुछ नहीं है। मकबूल लीडर दूसरी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मिनते नहीं करता। फैसलाबाद बिलावल का कामयाब जलसा हवाओं का रुख बता रहा है। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आज आखिरी रोज। कागजात वापस लेने के लिए वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। शेख राशिद शफीक ने NA-56 से कागजात वापस ले लिए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर निसार जट के कागजात मंजूर। फैसलाबाद में NA-100 से राणा सनाउल्ला का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे।
ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उकाब का निशान वापस लेने के लिए केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करने को ना कहें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपने इंट्रापार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आपका इंट्रापार्टी इलेक्शन कब तक करवाना लाजमी था। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने नया महाज खोल दिया। गाजा से शुरू होने वाली जंग यमन तक आ गई। फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हौसी बागियों पर बमबारी। अमेरिकी और बरतानवी तैयारों ने बम बरसाए। दारुल हुकूमत सना में धमाकों की आवाजें गूंजती रही। लड़ाका तैयारों ने साहली शहर हदीदा समेत दर्जनों मकामात पर हमला किया। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब देने के लिए हौसी बागी पुरअज़्म हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन ने कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा, दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों को हर सूरत रोकने के अहकाम जारी। बहरी जहाज़ों को बहरे अहमर, बहरे अरब और बाबुल मंद से रोकने का हुक्म। अब्दुल मालिक अल हौसी ने मजीद कहा, पहले अमरीकी एजेंडों के खिलाफ हज़ारों यमनी शहरियों ने जानें पेश कें। फलस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने को तैयार हैं। यमन के खिलाफ ऑपरेशन, अमरीकी सदर ने बयान जारी कर दिया। बाइडन ने कहा, अमरीकी इकदाम बहरी जहाजों पर हमलों का जवाब है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक बोले, हौसियों को कई बार खबरदार किया मगर अब यह सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उधर अमरीकी हमलों पर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक अराकी ने तहफ़ुज़ात जाहिर कर दिए। सऊदी अरब ने यमन में हमलों पर तशवीश जाहिर कर दी। असल कुशी का रहा है आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दलाल। नीदरलैंड्स के शहर दिहैग में मुकदमे की समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दलाल में कहा गया, 3 माह में गजा के 23,000 शहरी कत्ल किए गए। 70% बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया गया। हमलों में नौजायदा बच्चों को भी ना छोड़ा गया। इसराइल अक्वामे मुत्तहिदा की नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। अस्पतालों और महफूज करार दिए इलाकों पर बमबारी की। दलाइल में मजीद कहा, गजा में अमदाद रोक कर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल ने ढिटाई का मुजाहरा किया, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीका के इल्जाम की तरदीद कर दी। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार के लिए मौके बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 475 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,093 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता हो गया, कदर 280 रुपए 25 पैसे हो गई। महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की जबान बोलना बंद करती है और जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की जबान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने एक साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सहूलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं, हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। महरंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तला जान अचकज़ई की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, पाक फौज के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं।